नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसमें अपना एग्जाम सेंटर बदलवाना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसका एग्जाम सेंटर बदलने के लिए आप अप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक से जो है कि ये आपका लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अभी। तो यहाँ पे उसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड है तो आप पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। लॉगिन करते ही जो है आपके सामने क्वेरी वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हेल्प डेस्क पे आपको क्लिक करना है। हेल्प डेस्क पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू रेज न्यू क्वेरी, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में देखिए ग्रीवेंस फॉर्म जो है खुल रहा है। ग्रीवेंस फॉर्म यहाँ पे आप जो है एग्जाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम टाइप में आपको प्रॉब्लम चूज करना है कि आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों एग्जाम सेंटर बदलवाना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे दिया हुआ है टेस्ट सेंटर डिटेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एग्जाम सिटी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में आपको अपना प्रॉब्लम लिखना है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और आप क्यों सेंटर बदलवाना चाहते हैं। तो वैसे इसकी संभावना बहुत कम है कि आपका सेंटर बदलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा फला फला जगह पड़ता है और मेरा एग्जाम सेंटर वो काफ़ी दूर भेजा गया है, जहाँ तक जो है कि पहुँचना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इस ये चीज़ करके आप जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद में आपको 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इस तरह से आप जो है अपना एग्जाम सेंटर बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।